परासिया में भाजपा जिला युवा मोर्चा उपाध्यक्ष पंकज मुंगिया पर महिला द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसको लेकर न्यायालय ने इस पर फैसला सुनाते हुए पंकज मुंगिया को दोष मुक्त कर दिया है, जिस पर पंकज मुंगिया ने कहा कि उन्हें योजनाबद्ध तरीके से फंसाने की कोशिश की गई थी। महिला की शिकायत पर पुलिस ने पंकज मुंगिया पर 354 का मामला दर्ज किया था, जिस पर न्यायालय में सुनवाई के दौरान पंकज को दोष मुक्त बताया गया और केस बंद करने के निर्देश दिए गए। दोष मुक्त होने पर पंकज मुंगिया ने न्यायालय का आभार व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर दुर्भावनापूर्ण से आरोप लगाए गए थे, मैं भाजपा का समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ता हूं, मेरी छवि धूमिल करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से मुझे फंसाया गया था। उन्होंने कहा, मैं उस महिला का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम लगाने के बाद सच्चाई का साथ दिया। किया गया उसे राजीनामा के आधार पर दोष मुक्त किया गया। राजीनामा महिला द्वारा बिना किसी लोभ लालच बिना डर दबाव के किया गया और उसने न्यायालय में वास्तविकता कथनों के माध्यम से रखी। उसने ये बताया कि घटना दिनांक पंकज मुंगिया जी वहाँ खड़े हुए थे, वो मोबाइल में किसी से बात कर रहे थे और वो खुद मोबाइल में किसी से बात करते हुए जा रही थी। उसे कुछ गलतफहमियाँ हुई, उस गलतफहमी का नतीजा विवाद में पलटा। पंकज मुंगिया के कुछ साथियों ने उसके पति के साथ मारपीट की, मामला कायम किया, पुलिस ने जो भी इन्वेस्टिगेशन करी। मैं भारतीय जनता पार्टी में जिले का उपाध्यक्ष हूँ युवा मोर्चा का, तो कुछ लोगों ने उसमें गलत बहकाकर और उसको गलत तरफ मुड़वा कर उसमें मेरे खिलाफ़ शिकायत कराए थे और जिसमें सत्य सामने आया, उसमें मैं दोष मुक्त हुआ। और चूँकि महिला द्वारा पिता के पास बात करने को आई थी, परंतु हम मेरे कुछ साथियों से वाद विवाद हो गया था, उसको लेकर वो थामने शिकायत करने गए थे, परंतु कुछ मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदी द्वारा इस मामले को दूसरी तरफ ले जाकर ये छेड़खानी शिकायत लिखाई गई थी, जिसकी सूचना मुझे पार्टी के लोगों ने बोले थे जब मीडिया में छपा था, तो मैंने अपनी बात कुछ तत्वों के आधार पर पूर्व में पार्टी नेतृत्व के सामने पूरी बात रख दिया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।